दोस्तों आज हम देखेंगे 15 से लेकर 25,000 तक की रेंज में आप कौन कौन से फोन बाय कर सकते हैं। मैंने आप पर टॉप 10 स्मार्टफोन्स पिक की हैं, जहां पर आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला फोन है रेडमी नोट 11T। ये फोन आपको ऑफर्स लगाकर 15,000 का आराम से मिल जाएगा। अगर आपको ये फोन 15 का मिलता है तभी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिएगा, इससे ऊपर इस फोन पे लगाने का मतलब नहीं बनता। वैसे इसका प्राइस है 17,000 के आसपास, बट 15 में ये डील काफी सही है। 15 में मैं बोल सकता हूँ इस फोन को बेस्ट फोन अंडर 15,000। यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 810। मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ इस फोन की, बस यहाँ पर कभी मुझे बात ये लगी इस फोन की, एक तो स्पीकर इसके स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं बट उनकी लाउडनेस उतनी अच्छी नहीं लगी है मुझे, और इसका डिस्प्ले उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आप फोन को साइड से देखते हैं तो डिस्प्ले आपको अच्छा नहीं दिखेगा। ये दो चीजें हैं, उसके अलावा कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी 15,000 में हम कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर हमें 17,000 लगाना ही है तो हमें इससे बेटर ऑप्शन आराम से मिल जाएंगे। रियलमी की तरफ से रियलमी 8S भी अवेलेबल है जो आपको 17-18,000 में आराम से मिल जाता है। हालांकि कुछ टाइम पहले ये फोन हमें 15-16 का मिल रहा था, बट अभी आपको इसके लिए 17-18 पे करने होंगे, और 17-18 में मुझे रियलमी 8S काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा रेडमी नोट 11T के कंपैरिजन में। बस यही है कि इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले आपको नहीं मिलता। अगर वो हो जाता है यहाँ पर तब मैं कहूँगा इस फोन को बीट करना इस प्राइस पे बहुत ही मुश्किल रहता। इस फोन की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पर है मिरेटेक एमएससीडी 810 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 120Hz को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाता है, और कैमरा भी फोन का मुझे ठीक लगा। बाकी अगर आपको एमोलेड चाहिए तो आपको सेम प्राइस पे रेडमी नोट 10 प्रो मिल जाएगा। ये फोन भी अपने प्राइस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे लगा है। इस फोन में क्या है कि एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 732G, ग्लास बिल्ड क्वालिटी, स्टीरियो स्पीकर्स, ये कंप्लीट पैकेज एक मैं बोल सकता हूँ। बस यहाँ पर 5G नहीं है, उसके अलावा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बिल्ड क्वालिटी तो दोस्तों बहुत ही अच्छी है फोन की, हाथ में लेते ही आपको मजा आ जाएगा फोन यूज करने का। हाँ ये है कि MIUI आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि कुछ टाइम बाद आपको थोड़े बग्स वगैरह उसमें फेस करने को मिल सकते हैं। बाकी इंप्रूव कर रहे हैं Xiaomi धीरे धीरे। अब आपको जो नेक्स्ट वर्जन मिल रहा है MIUI का, वो काफ़ी अच्छा है पहले के कंपैरिजन में। बाकी फिलहाल तो यही है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे बताना कमेंट्स में, मैं आपको जो भी फोन बता रहा हूँ इस वीडियो में, इनमें से आप किस फोन में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आपको कस्टम UI नहीं चाहिए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा मोटो S20 फ्यूजन। ये आपको फोन मिल जाएगा 21,500 की रेंज में। इस फोन की खास बात है, मतलब मैं इसको भी एक ऑलराउंडर फोन बोल सकता हूँ अपने सेगमेंट का। MediaTek Dimensity 800U आपको यहाँ पर मिल जाएगा, साथ में AMOLED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट 90Hz का, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैमरा इस फोन का, और आपको मिलता है क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस, जो कि इस फोन की शान है। कोई ब्रॉडफेयर, कोई एड्स का पंगा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, और मेन जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन रहते हैं वो सारे आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इस फोन को कह सकता हूँ आप 21,500 में ले सकते हैं। हालांकि ऑफर्स में यही फोन आपको 20 के अंदर आराम से मिल जाता है, बट फिलहाल 21,500 इस फोन का प्राइस है। ऑफर का वेट करना है तो कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे क्रिस्पी सेल स्टार्ट होने वाली है, वहां पर आपको यही फोन बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाएंगे। जो भी मैं आपको फोन बता रहा हूँ सब पे आपको कोई ना कोई डिस्काउंट देखने को मिलेगा क्रिस्पी सेल में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सेल का वेट करना चाहिए। अभी जो सेल आई थी मोबाइल ब्रांडर सेल, वहां पर हमें कुछ भी स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिला उस सेल में। अब उम्मीद है जो अभी आपको क्रिसमस सेल मिलेगी ये रहेगी इस साल की लास्ट सेल, और यहाँ पर डिस्काउंट भी तगड़े वाले दिए जाएंगे, स्टॉक खत्म किया जाएगा जो भी इस साल का बचा हुआ स्टॉक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि है पोको की तरफ से। दोस्तों अगर आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए अंडर 20,000 तो आप पोको X3 प्रो में इन्वेस्ट कर लो, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 860, जिसको बीट करना अपने सेगमेंट में बहुत ही मुश्किल है। मजा आ जाएगा आपको यहाँ पर गेमिंग करने का, फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बस यहाँ पर भी एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, और कैमरा फोन का उतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगा, उसके अलावा कोई आपको शिकायत नहीं होगी। डिस्प्ले फोन का IPS के हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और 90Hz का रिफ्रेश रेट है जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म भी करता है। बैटरी भी बढ़िया फोन के, बैटरी बैकअप में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फास्ट चार्जिंग भी आपको इस फोन में मिल रही है। थोड़ा बल्की है फोन यूज करने में, और कैमरा स्ट्रॉन्ग नहीं है और एमोलेड नहीं है, ये तीन चीजें हैं जो कि आपको माइंड में रख के चलना होगा। ये गेमिंग सेंट्रिक फोन है, ये मैं कह सकता हूँ इस सेगमेंट का। जब से ये फोन लॉन्च हुआ है इसको कोई भी बीट नहीं कर पाया है अंडर 20,000 की रेंज में। हमारा नेक्स्ट फोन है लावा की तरफ से। ये हमारे इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन है, लावा अग्नि 5G। देखो इस फोन का वैसे प्राइस है 20,000,
बट ऑफर्स में यही फोन आपको कम प्राइस पे मिल जाता है, 2000 तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है आपको। इस फोन की खास बात है यहाँ पर इसका जो बेस वेरियंट है वो आता है 8GB रैम के साथ। कुल मिलाकर इंडियन ब्रांड का 5G फोन मुझे ये काफी सही लगा। अगर आपको 5G चाहिए 8GB रैम के साथ तो ये भी आप फोन देख सकते हैं, लावा अग्नि 5G। लेकिन ऑफर में आप लेना तब मैं कह सकता हूँ आपका वैसा वेस्ट नहीं होगा। 20,000 में मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा प्राइस होगा इस फोन का। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत आपको नहीं होगी। यहाँ पर है डेमेसिटी 810 प्रोसेसर जो कि इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। बस यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। अगर एमोलेड होता तब मैं कह सकता था 20,000 में भी फोन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। IPS पैनल है तभी मैं कह रहा हूँ कि ऑफर में लेना तब सही रहेगा। इसके बाद फोन है रियलमी की तरफ से रियलमी GT मास्टर एडिशन। अब ये एक ऐसा फोन है जब से ये फोन लॉन्च हुआ है तब से इसने मार्केट में तहलका मचा रखा है। उसका रीजन है यहाँ पर हमें तगड़े वाला डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 778G बहुत ही कम प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। 20-21,000 में आपको ये फोन मिल जाता है हर ऑफर में। फिलहाल ऑफर खत्म हुआ है तब इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा। अब फिर से ऑफर आने वाला है, फिर से आपको यही फोन कम प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। ये एक मैं कह सकता हूँ एक कंप्लीट पैकेज है रियलमी की तरफ से। स्नैपड्रैगन 778G एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट और इनलाइन फील फोन की काफी सही है। कॉम्पैक्ट फोन आपको लगेगा यूज करने में। हालांकि प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है। 21,000 के हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज मैं इस फोन को बोल सकता हूँ। इसके बाद Xiaomi 11 Lite एंड Mi 5G ये फोन भी आपको अभी ऑफर में दिया जा रहा है। मतलब 25,000 के अंदर ये फोन आप बाय कर पाएंगे। यहाँ भी है स्नैपड्रैगन 778G एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट और साथ में आपको मिल जाता है ग्लास पिल क्वालिटी वाला स्मार्टफोन। काफी स्लिम डिजाइन है इस फोन का। जो मैंने आपको रियलमी GT मास्टर एडिशन बताया था वो आता है प्लास्टिक बिल के साथ। उसके सामने बिल क्वालिटी इस फोन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगी है मुझे। यहाँ पर बस दिक्कत एक मिलेगी आपको, एक तो यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट 90Hz का है जो कि मेरे अकॉर्डिंग इस सेगमेंट में 120Hz होना चाहिए था। और आपको यहाँ पर कैमरा जो है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता। थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए इस फोन के कैमरा को, बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। मैं इसको भी एक कंप्लीट पैकेज बोल सकता हूँ। थोड़ी बहुत चीजें प्लस माइनस जो आपको करनी पड़ेंगी पर ओवरऑल पैकेज अच्छा है प्राइस के हिसाब से। यहाँ भी मैं आपको यही कहूंगा ऑफर में आप लेना तब आपका वैसा वेस्ट नहीं होगा। 27,000 का वैसे ये फोन है, उस प्राइस पर तो मुझे लगता है काफी ज्यादा प्राइस है, तो ऑफर में मस्त है। और दोस्तों iQOO Z5 भी आपको मिल रहा है फोन अच्छी प्राइसिंग पे, ऑफर चल रहे हैं इस फोन पे भी। इस फोन में भी मैं कह सकता हूँ एक कंप्लीट पैकेज ये बन सकता था अगर यहाँ पर होता एमोलेड डिस्प्ले। एक चीज है जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके अलावा कैमरा फोन का अच्छा है, परफॉर्मेंस में कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको इस सेगमेंट में बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो फिलहाल यही आपको मिल रहा है iQOO Z5। मैं मानता हूँ कि कुछ टाइम पहले आपको और भी ऑप्शन मिल रहे थे बट अभी बाकी फोनों के प्राइस बढ़ चुके हैं। कुछ टाइम पहले आपको सैमसंग M52 मिल रहा था 23,700 की रेंज में जिसका कैमरा काफी स्ट्रॉन्ग था, बट फिलहाल वो आपको मिल रहा है फोन 30,000 में। तो ऐसे में बेस्ट कैमरा वाले सेगमेंट में ना ये मुझे अच्छा फोन लगा इस टाइम पे। हाँ, अगर आपको M52 कम प्राइस में मिल जाता है तो वो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो वो 30,000 का ही आपको मिल रहा है, मैंने चेक किया है वीडियो बनाते हुए। और एक बात हो रहा है, अगर आप थोड़ा और बजट बढ़ा सकते हैं तो 25-30,000 में आपको फ्लैगशिप किलर फोन मिल जाएंगे। iQOO 7 आपको मिल जाएगा कम प्राइस पे 30,000 के अंदर रेंज में। रियलमी GT Neo 2 ये भी आपको ऑफर्स में 30 के अंदर अंदर मिल जाता है। Vivo X60 भी 30 के अंदर अंदर अवेलेबल है। तो 25 से ऊपर बजट आपको बढ़ाना है तो ये तीन ऑप्शन है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, बट 25 के अंदर अंदर ये सारे ऑप्शन हैं जो आप देख सकते हैं अपने अपने प्राइस के हिसाब से और अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको मैंने जो भी फोन बताए हैं यहाँ पर आप इन सब में से किस फोन में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।